चलो इसी बीच रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश से ही जुड़ी हुई है बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश की विधानसभा अब पेपरलेस होगी। प्रोजेक्ट ई विधान को कैबिनेट से ही मंजूरी मिली है। विधानसभा में 24 करोड़ लागत के सिस्टम लगेंगे। यहां सिस्टम लगने से पूरा काम ऑनलाइन हो जाएगा। डेस्क पर लगे स्क्रीन पर जानकारी भी उपलब्ध होगी, जहाँ सभी दलों के विधायकों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ही पेपरलेस विधानसभा की शुरुआत होगी। तो आपको बता दें कि प्रोजेक्ट ई विधान को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है, जहां विधानसभा में 24 करोड़ की लागत के सिस्टम लगाए जाएंगे और इन सिस्टमों के लगने से पूरा काम ऑनलाइन हो जाएगा। डेस्क पर ही अब जो स्क्रीन लगी रहेगी उस पर सभी को जानकारी भी मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रिजवान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रिजवान, मध्य प्रदेश की विधानसभा अब पेपरलेस होने जा रही है, क्या अपडेट इसको लेकर और क्या नया नवाचार इस दौरान हमें विधानसभा में देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो इसमें विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी और पिछले 3 साल से ये जो प्रोजेक्ट है वो अटका हुआ था। 75 करोड़ का प्रस्ताव जो था उसमें जो है ये प्रोजेक्ट उलझा हुआ था। हालांकि 24 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को जो है विकसित होना है और आपको बता दें जो भी विधायक और जो मंत्री हैं वो अपना जो प्रश्न लगाते हैं उसको जो है अब पेपरलेस जो है कर दिया गया है। उनका सामने स्क्रीन पर जो है पूरा जवाब तलब किया जाएगा। हालांकि 17 करोड़ रुपये जो है इसमें केंद्र सरकार की तरफ से जो है स्वीकृत किए जाएंगे, उसके बाद जो है विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 साल से जो है ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। केरला और आंध्र प्रदेश का भी जो दौरा है 15 सदस्यीय टीम ने इसको लेकर किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन कल कई बैठकों के बाद और कई चर्चाओं के बाद उसके बाद जो निर्णय लिया गया है मोहन कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया है और ये प्रस्ताव जो है आने वाले सत्र में जो है काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि सभी जो जो प्रश्न लगाते हैं वो अब ऑनलाइन जो भी विधायक बैठे होंगे उनकी स्क्रीन पर जो है इसका जवाब होगा और जो 24 करोड़ की लागत से जो है इसको इसमें लागत लगेगी। जी बिल्कुल, यानी कि 24 करोड़ की लागत के साथ ये सिस्टम सबसे पहले लगाए जाएंगे। जो आप कह रहे हैं कि विधायकों को सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और देखने वाली बात भी होगी कि आखिरकार जो नया प्रावधान अब लाया जा रहा है पेपरलेस विधानसभा का, ये कब से शुरू होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आगे और भी अपडेट्स लेंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा अब पेपरलेस होने जा रही है। प्रोजेक्ट ई विधान को कैबिनेट में मंजूरी भी मिल चुकी है, जहां विधानसभा में 24 करोड़ की लागत से सिस्टम लगेंगे। यहां सिस्टम लगने से पूरा काम अब ऑनलाइन हो जाएगा, यानी कि अब कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी कागज़ विधानसभा में लेकर नहीं जाना रहेगा, चूँकि पूरी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही होगी और डेस्क पर लगे स्क्रीन पर ही सारी जानकारी विधायकों को उपलब्ध करा दी जाएगी। सभी दलों के विधायकों को सबसे पहले यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद में विधानसभा पेपरलेस की शुरुआत होगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा अब पेपरलेस होने जा रही है। एक नया नवाचार मोहन सरकार के कार्यकाल में देखने को मिलेगा, जहां प्रोजेक्ट ई विधान को कैबिनेट में मंजूरी भी दी जा चुकी है।